आज हमारे साथ है दलजीत सिहाग सिसाई सी से आइए इनसे जानते हैं इनसे बात करते हैं हाँ जी नमस्कार सर नमस्कार जी हमारे चैनल में आपका स्वागत है बिल्कुल धन्यवाद जी आपके सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरी राम राम आज हम आपसे जानेंगे लोगों के प्रश्न भी है जैसे कि हमारी टीम द्वारा हमें पता चला है जाट आंदोलन में आपको आज आजीवन कारावास हुआ है तो उसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है कितने मुकदमे दर्ज हुए थे और अब कितने रह चुके हैं देखो जी ये तो एक सच्चाई है कि जाट आरक्षण मामले में हमें 24 मुकदमे लगाकर जेल में डाला गया था उसमें 22 मुकदमे में माननीय कोर्टों ने हमें बरी कर दिया दो मुकदमे हमें सजा हुई है जिसमें एक में पाँच साल की है एक में है नेचुरल डेथ यानी कि अंतिम सांस जो फिलहाल चंडीगढ़ हरियाणा हाई कोर्ट में विचारधीन है और उसके बाद हिंदू महासभा में आप प्रदेश संगठन मंत्री रहे हैं क्या आपको उधर से कोई मदद मिली नहीं हिंदू महासभा की तरफ से जो शुरुआती दौर था हमारा जब तक हम जेड़ में नहीं गए थे तो उस टाइम तक हिंदू महासभा की पूरी टीम हमारे साथ थी उसके बाद जो कुछ चुनिंदा लोग हैं क्योंकि उसके बाद तो चुनिंदा लोगों का ही काम शुरू हो जाता है वो आज भी हमारे साथ हैं काफ़ी समय से लॉकडाउन लगा हुआ है कोरोना महामारी के कारण जरूरतमंद लोग काफ़ी परेशान हैं क्या आपकी टीम द्वारा कोई जरूरतमंदों की सहायता के लिए कुछ कार्य किए गए हाँ बिल्कुल जी हमने आशी शहर में बावन दिन लंगर चलाया है दोनों टाइम पुलिस प्रशासन से लेकर एस डी साहब ने जो हमारी ड्यूटियाँ लगाई हमने पूरी निभाई है सैनिटाइजर पहुँचाना हो या फिर मास्क पहुँचाने हो वो बावन दिन हमने लगातार किए हैं फिलहाल हम पौधा रोपण पर और भाईचारा बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं लगातार भाईचारे से मिल रहे हैं हमें जानकारी मिली है कुछ समय पहले आपकी पत्नी बीमार थी पिताजी बीमार थे यानी माना जाए आपके परिवार के ऊपर काफ़ी संकट गहराया हुआ था आपने पैरोल की भी मांग की थी पैरोल पैरोल नहीं मिल पाई इसका मुख्य कारण क्या रहा होगा देखो जी इसका मुख्य कारण ये है कि हमने जब पहली बार पिताजी बीमार हुए प्रशासन पर पैरोल मांगी प्रशासन ने हमारी पैरोल कैंसिल कर दी हम आई कोर्ट गए हाईकोर्ट ने हमें अट्ठाईस दिन की पैरोल दी उसके बाद हाई कोर्ट ने पाँच दिन की बैदा दी फिर हमने सिलेंडर किया जेल पर उसके बाद फिर हाई कोर्ट में हमने दोबारा अप्लीकेशन लाई हाई कोर्ट ने हमारे चौदह दिन की पैरोल फिर दे दी उसके बाद सात दिन की फिर बढ़ा दी फिर जेल में चले गए उसके बाद इसी जेल में हम गए हैं एक सत्रह तारीख को तीन तारीख ने मिशीज का एक्सीडेंट हो जाए है उसके बाद हमने प्रशासन पर पैरोल मांगी जो हमारा राइट था प्रशासन ने ये कहते हुए पैरोल फिर खारिज कर दी कि ये अगर पैरोल पर आएगा तो भाग सकता है तो वो कुदरती कोरोना महामारी चल पड़ी उसी दौरान जब पैरोल कैंसिल होने का समय आया तो वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया व जो भी इंसान जेल में फ़िलहाल सजा काट रहे हैं और वो एक या दो पैरोल ठीक ठाक व्यतीत कर चुका है तो उसे तुरंत प्रभाव से पैरोल दे दे तो वो पैरोल हमें फिलहाल मिली हुई है पहले क्यों नहीं मिली इसका कारण क्या रहा होगा नहीं इसका कारण तो देखो जी आपने स्पष्ट बताया कोई सरकार क्यों चाहेगी बस जब हमने चार साल पहले हम उन्हें गेट दिए सजा नेचुरल डेथ यानी अंतिम सांस तक की सजा ऐसे मुकदमे में हम सजा जिसमें हमारे खिलाफ़ एक गवाह तक नहीं है एक सबूत भी नहीं है कोई भी मुलजिम है अगर उसको सजा दी जाओगी तो उसके खिलाफ एविडेंस तो चाहिए हमारे खिलाफ तो एविडेंस भी नहीं है फिर भी हम सजा काटने लायक गए तो एक तो स्पष्टी बात है तो सरकार क्यों निकलना देना चाहोगी ये तो स्पष्टी बात है सरकार हमारी आज से नहीं सरू से खिलाफत कर रही है क्या कुछ चुनिंदा लोगों बता सकते हैं हाँ बिल्कुल ये तो धीरे धीरे ओपन भी आने लगे आने वाला टाइम है और ओपन हो जाएंगे दिन प्रतिदिन नशा बढ़ता जा रहा है युवा नशे के दलदल -दल में फंसते जा रहे हैं युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे देखो जी नशा के खिलाफ हमने पहले भी 2000 पंद्रह सोलह में बड़ा अभियान छेड़ा था सिंह सार साइड में उस टाइम समय का अच्छा प्रकोप था और आज भी हम ये बात कहना चाहते हैं जितना हो सके नशे से दूर रखो अपने यार दोस्त प्यारे प्यारे जितना भाईचारा उन्हें समझाने की कोशिश करो कि नशा में बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं देगा और ये जो हम लोग कहते हैं भाई बिला चीन ने बीस सैनिक मार दिए और आप लोग ये नहीं सोचते उस पाकिस्तान ने चिट्टा और स्मैक पंजाब के थ्रू देश में बाढ़ेगा कितने नौजवान बर्बाद कर दिए युद्ध तो वो भी है हमारी नस्ल को ही खराब करने लाग रहे हैं तो सभी भाइयों से अनुरोध है कि इस चीज़ को बड़े गंभीरता के साथ लें और अपने शरीर और अपने परिवार के साथ खिलवाड़ न करें जितना उसके नशे से बचने का काम करें इतना नशा आ रहा है सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है भी हम नशा नहीं बिकने देंगे नशा युवाओं को खराब कर रहा है जागरूक कर अभियान चला रही है फिर इतना नशा आ रहा है तो इसका मुख्य कारण देखो जी ये सारे काम सरकार के हैं पिछली थोड़े दिन पहले ही बात है लॉकडाउन लग गया सभी शराब के ठेके बंद थे शराब के ठेके बंद होने के कारण शराब तो कहीं से नहीं मिलेगी लेकिन फिर भी पूरा प्रदेश में जो बोतल ठेका सौ रुपया ही मिला कर दी वह तीन सौ रुपया ही मिली है फिर वह शराब कहाँ से आएगी बिना सरकार तो शराब आ नहीं सकती सारे रोड सील थे सारे प्रदेश सही ठेके सारे ही शील थे कहाँ से आई अब मान लेते अगर कच्ची शराब कहीं से आती कच्ची बिकती तो कह देते वह निकाल दोगी लोगों ने लेकिन वो तो ब्रांडेड शराब थी जब ठेके सील हो लिए थे सारे गोदाम सील थे फिर शराब इतनी चल मानते हजार पाँच सौ दो हजार पाँच हजार बीस हजार पेटी आ जानी अब को घना गिर गया होगा लेकिन ये तो लाखों करोड़ों में बिकी है कम से कम भी हजार करोड़ से ऊपर का घोटाला है क्या राजनीतिक जाति पात का रह गया है आप राजनीतिक में आना चाहोगे देखो जी राजनीति में हमने पहले भी कहा है कि हमारा इससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है और भविष्य में नहीं कभी भी जिंदगी में हम कोई इलेक्शन ना लड़ेंगे और ना राजनीति में आने की हमारी कोई संभावना कदे हो सकती है हाँ समाज है समाज के लिए अपने देश के लिए अपने प्रदेश के लिए जितना संघर्ष होगा उतना संघर्ष हम करेंगे राजनीति जाति पात की रह गई है हाँ बिल्कुल जी राजनीति में लोग जाति पाति की रह तो नहीं गई है लेकिन बनाने की कोशिश में लोग लगातार लगे हुए हैं और हमारी मुहिम भी यही है कि हम इस राजनीति में जो जाति पात का जाहिर गो लेकिन अपनी राजनीति रोटियां सेक का इसको बंद करें और समाज को एक सही दिशा देने का काम करें भाईचारे को मजबूत करने का काम करें ताकि कोई भी राजनीतिक आदमी इसमें इंटरफेयर लेके भाईचारे को खराब ना करें अधिकतर जाट नेताओं ने दुष्यंत चौटाला को उम्मीद के साथ सपोर्ट किया है नहीं बिल्कुल किया जी जाट नेताओं ने क्या बोले पूरे समाज ने सपोर्ट करे है लेकिन फिलहाल दुष्यंत जी किसी भी जाट नेता या समाज की उम्मीदों पर तक तो खरे उतर नहीं रहे आगे भगवान जाना क्या करें लोगों ने जजपा को वोट दिए थे भाजपा के खिलाफ अब वही जजपा भाजपा की गोद में जाकर बैठ गई है लोगों में काफी रोस देखा जा रहा है हाँ बिल्कुल कई जगह मन कई भाई मिले हैं जो मतलब कट्टर जे जे पी के वर्कर थे रोष है रोष के कई कारण हैं और पार्टी में जाने के दुष्यंत के भी कई कारण हैं ये भी सारा ही चीज जहाँ पे जजमेंट लगाना लायक जहाँ तो वह बात है भाजपा बड़ा भाई है ये छोटे भाई हैं अपने मिलजुल के काम चला रहे हैं जाट आंदोलन को लेकर जो केस वापस होने थे उनके प्रति आप क्या संतुष्ट है जिन लोगों को सजा हुई है जाट आंदोलन वहीं का वहीं है भविष्य में आपकी क्या तैयारी है देखो जी फिलहाल तो जाट आंदोलन की जो बात आप करो हो वो चीज़ तो समाज को भी पता है कि सारी चीज़ कोर्ट पर डिसाइड हो रही है क्यों कोर्ट में केस चलने लगे इतना वहाँ से कोई डिसीजन नहीं आया जिंदा इतना सरकार और हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे कोर्ट का फैसला ही सर्वमान्य है तो हमें उनका इंतजार करना पड़ा क्योंकि हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं और रही बात मुकदमे वापसी की तो ये सरकार ने आज से नहीं दो हज़ार सत्रह में धरना माह भरी थी लेकिन अभी तक उन्होंने मुकदमे वापसी की कोई पहल नहीं की है हाँ मुकदमे वापसी पर जल्द ही कोशिश करेंगे कि हरियाणा में एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाए और इसलिए लगातार लोगों से मांग कर रहे हैं अब देखो आंदोलन हर कास्ट ने करे हैं हर धर्म ने करे हैं आज तक पूरा अपना जितना भी देश है पूरे हिंदुस्तान में जब सभी के मुकदमे वापस हो सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं भाई हम भी तो इसी देश के निवासी हैं वो कानून जब सभी पर लागू कानून हमारे पे भी लागू तो ये तो हमारी मांग सदा है और सरकार ने हमारी मांग बड़ी गंभीरता पूर्वक कार्रवाई करके ख़त्म करनी चाहिए ये तो वो बात होगी सरकार तो सिर्फ मुद्दे रखना चाहे कभी मुद्दा ख़त्म हो जाए लेकिन बच्चे ज़िंदगी ख़राब होने लायक रही है जिनका भविष्य नहीं बनया है बट ठीक है कोई भी आदमी अपना समाज गलत अपना परिवार गल रोड पाया गया तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि अब उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो क्या सरकार का यही काम है कि उनकी जिंदगी बर्बाद करो सरकार का काम है कि आप लोग जनहित में जाएं और उनके बच्चों की भविष्य बचाने का काम करें लेकिन देखो क्या कहती है सरकारों के कई यहाँ तो अपना दोषी हमेशा इसने बेचारे ने खुद के बालक तो सेंको नहीं बूझने के बेरा बच्चा दर्द है वही चीज तो जब करवाओगे करवाएर बालक हो फिर पता चला बच्चे का भी वो दर्द हुआ है एक आपके ऊपर गीत है हमने सुना भी है काफी अच्छा भी है क्या वो रियल है नहीं गीत तो जी मेरे ऊपर कई हैं आपने बताओ आपने कौन सा सुन दिया नहीं फिर वो सच्चाई नहीं है बिना बेमतलब नेहते बच्चे गोली चलाई गई है गवर्नमेंट की तरफ खत्म करना और खत्म कर दिए जी पुकार है माड़ा समाज की तो बात है चोर आम बना दिए डकेत आम बना दिए लुटेरे हम बना दिए हम बना दिए और खत्म कैसे हुआ समाज में आदमी शरीर से खत्म नहीं होता समाज में आदमी इज्जत से खत्म होता है अगर किसी आदमी के पल्ला पे इज्जतें नहीं छोड़ डांगे तो वो खत्म में है और उसके पल्ल के है वो इस तरिया अपने गीत में शब्द दे रखे हैं तो खत्म करने की तैयारी कर रखी इसमें माँ का जिक्र किया हुआ है आप जेल में होते हो पीछे से घर की परिस्थितियों का कैसे देखो पिताजी बीमार हैं माताजी जी है भाई है वो भी अपना काम कर रहे हैं परिस्थितियाँ तो भाई जैसे भी है हैंडल तो करनी पड़े हैं फिलहाल ज़्यादा अगर जिम्मेवारी माता जी की ज़्यादा रह घर पे तो वो लगातार अपने परिस्थितियों को अनुकूल करते हुए ठीक जैसे भी हिसाब से टाइम कट रहा है और कोशिश करा और जितना माड़ा टाइम है धीरे धीरे करके अपना सारा शांति है व्यतीत हो जाए आपने कोई फाउंडेशन भी शुरू किया और आपकी फाउंडेशन का क्या उद्देश्य है हमने सोशल जस्टिस फाउंडेशन के नाम से एक ट्रस्ट का गठन किया है और हमारे ट्रस्ट का उद्देश्य है वह किसी भी इंसान के साथ कोई भी अप्रिय घटना यानी किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो हम उसे न्याय दिलाने का काम करेंगे हमारी ट्रस्ट आने वाले समय में धीरे धीरे करके जैसे पौधे लगाने का काम है या फिर बच्चों के लिए अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है जो सुविधाएं मतलब काम इंसान की जरूरत है जो समस्याओं में आते चाहे किसान हो या गरीब मजदूर वर्ग हो हम हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारी पूरी टीम जहाँ तक हमारे पे हम सभी का साथ देने का काम करें हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश जाना चाहोगे पब्लिक को बस आपके चैनल के माध्यम से तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा उसके आप भाईचारे पर विश्वास करें और जितना उसके इसकास्टरिज्म रूपी दानों से दूर रहें और जितना भाईचारा हमारा हरियाणा का पहले रहा है लोगों का विदेशा में मिसाल दें हरियाणा का भाईचारा की खाने पीने की आज हमें भाईचारे की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो सभी भाइयों से यही अनुरोध है कि जो भाईचारा हमारा पहले था आप सभी हमारा सहयोग करें और उस भाईचारे को मजबूत करने का काम करें ताकि हम लोगों को फिर कह सकें कि आज भी हरियाणा वैसा ही है जैसा पहले था ये थे हमारे साथ दलजीत सी हाग सी साई से हमने इनसे जाना कुछ जनता के प्रश्न थे कुछ हमने टीम द्वारा लिए गए थे इन्होंने हर प्रश्नों का जवाब दिया रवि गोयल रतिया